हमारे पाकिस्तानी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पाकिस्तान से डिग्री हासिल करने के बाद आउट ऑफ कंट्री का रुख क्यों करते हैं? अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। तो यहाँ पे लोग जो अर्न करने हैं, अर्निंग में तो कुछ भी इजाफा नहीं हो रहा ना, वो तो जो उनकी तनख्वाहें हैं वो भी वहीं की वहीं हैं। पाकिस्तान में नौकरियाँ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरिट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सारा रेफरेंस बेस्ड काम ही होता है, क्योंकि उनको कैरियर काउंसलिंग नहीं किया जाता, उनको बताया नहीं जाता, तो इस वजह से वो डिमोटिवेट हो रहे हैं और मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। सबका यही आजकल है कि वो बाहर जाएंगे, क्योंकि इतना अनस्टेबल है हमारी कंट्री, आप देखिए कभी भी कुछ भी हो जाता है। Assalamualaikum, welcome back to another video, welcome back to another program. I am your host Nimra Malik and you are watching Arz-e Pakistan. आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या है आपको समझाती चलो। ब्रेन ड्रेन बेसिकली ब्रेन ड्रेन कहा जाता है कि जो हमारे पाकिस्तानी पढ़े लिखे नौजवान हैं पाकिस्तान से डिग्री हासिल करने के बाद आउट ऑफ कंट्री का रुख क्यों करते हैं। क्या पाकिस्तान में नौकरियों की कमी है या यहाँ पे मेरिट के ऊपर फैसले नहीं किए जाते हैं, क्या वजूहत हैं? आज हम आवाम से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इसकी क्या वजूहत है। पढ़े लिखे नौजवान आउट ऑफ कंट्रीज़ का रुख क्यों करते हैं कमाने के लिए, क्या पाकिस्तान में नौकरियों की कमी है या कोई और वजूहत है? नौकरियों की कमी तो नहीं है, बट आई थिंक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो उसकी वजह से वो लोग यहाँ पे अगर हायर स्केल पे भी कमा रहे हैं तो उनका यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि मैंने जितने लोग इधर देखे हैं वो लोग रह तो सही रहे हैं बट सेविंग्स नहीं कर रहे, तो आई फील लाइक इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि भाई बाहर जाएँ, सेविंग्स भी करें, उधर दो चार कमाएँगे, यहाँ पे आएंगे, खर्च करेंगे, अपने घर वर बनाएंगे। कोई यूथ के लिए आप मैसेज देना चाहें? एक्सप्लोर करें, अपॉर्चुनिटीज़ देखें और हमेशा आगे की सोचें। तो यहाँ पे लोग जो अर्न करने अर्निंग में तो कुछ भी इजाफा नहीं हो रहा ना, वो तो जो उनकी तनख्वाहें हैं वो भी वहीं की वहीं हैं, तो लोग भी प्रेफर कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो कम से कम उनकी एक लाइफस्टाइल कुछ बन जाएगा। आप नहीं समझती कि इसमें पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा लॉस है? वाकई इसमें बहुत बड़ा लॉस है कि जो उनको सर्विसेज पाकिस्तान में देनी चाहिए तो वो बाहर जाके दे रही हैं, बाहर की कंट्रीज उनसे फ़ायदा उठा रही हैं। पाकिस्तान में नौकरियाँ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरिट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सारा रेफरेंस बेस्ड काम ही होता है। अब जिन लोगों के रेफरेंसेस नहीं भी होते तो लोग दिल बर्दाश्त होते हैं। एक तो इधर इंसाफ का निज़ाम भी कोई नहीं है, तो वो यही तरजीह देते कि बाहर के मुल्क जाएंगे, एटलीस्ट जो कुछ भी करेंगे एटलीस्ट हार्ड वर्किंग का कोई ना कोई रिवॉर्ड होगा। कोई मैसेज देना चाहे हमारे अर्ज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे? दिल बर्दाश्ता ना हो और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, बहुत अमीर मुल्क है और पाकिस्तान इंशाल्लाह एक ना एक दिन पाकिस्तान के हालात ज़रूर समझेंगे। हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं कि काम के लिए, लेकिन जो पोटेंशियल लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आउट ऑफ द कंट्री चले जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में आई थिंक काम मौजूद है, लेकिन चूँकि उनको कैरियर काउंसलिंग नहीं किया जाता, उनको बताया नहीं जाता, तो इस वजह से वो डिमोटिवेट हो रहे हैं और मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जिन्होंने बहुत अच्छा अर्न किया और इस टाइम भी अर्न कर रहे हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत है। हाँ, आप जाएँ सैर करने के लिए जाएँ, अपने एक्सपोजर बढ़ाने के लिए जाएँ, लेकिन काम के वाले से मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि पाकिस्तान को आप छोड़ें। जो अपनी हैवी सिफारिश लगवा लेता है वो उसको नौकरी वगैरह मिल जाती है या मतलब वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है या रिश्वत दे के या सिफारिश करवा के, तो बाकी जो जिसकी जो रिश्वत नहीं दे सकता या सिफारिश जिसकी नहीं है तो वो तो फिर अब ज़ाहरी बात है अब गरीब आदमी है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो फिर कुछ ना कुछ अब मतलब कोई ना कोई बंदोबस्त करके वो फिर बाहर निकल जाता है। आपका क्या प्लान है आफ्टर स्टडीज़, क्या करेंगे, आउट ऑफ कंट्री स्विच करना है या पाकिस्तान में ही रहना? आउट ऑफ कंट्री स्विच करने का ही प्रोग्राम है मेरा। सबका यही आजकल है कि वो बाहर जाएंगे, क्योंकि इतना अनस्टेबल है हमारी कंट्री, आप देखिए कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी रोड्स ब्लॉक है, ओएलएस के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं, तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए। नौकरी अगर है भी या नहीं भी है ये तो बाद में जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे आके अप्लाई करोगे, लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले ही मेजॉरिटी अगर आप स्कूल देख लो तो ए लेवल्स के बाद सब बच्चे जो है वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से जाना चाहते हैं अनस्टेबिलिटी की वजह से। इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं आपके नज़र में, ये कैसे ठीक हो सकता है? जैसे गैस, पानी, बिजली, हर चीज़ आपको पता है कि क्या हाल है आजकल हमारे मुल्क का, अगर वो सब कुछ बेहतर होगा तो ही बच्चे इस तरफ सोचेंगे, पेरेंट्स भी, इवन मैं ख़ुद भी कहूँगी कि शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं अपने बच्चे को बाहर भेज दूँगी, क्योंकि उसका फ्यूचर सेव हो जाएगा इस तरह से। मैंने बहुत जैसे लोग देखा हुआ है तो उन्होंने तालीम किया हुआ है, गाँव में उनको नौकरी नहीं मिलती है,
तो कई बाहर मिल कोई ऐसा लोग है कि बाहर मिल जाता है, कोई ऐसा लोग है कि रांची लाहौर इधर आता है मजदूरी करते हैं, बस घर के अखराज बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसलिए। तो आपके ख्याल से कि यहाँ पर पाकिस्तान में नौकरियाँ नहीं है तो इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं? नहीं नहीं, नौकरियाँ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो हुकूमत की तरफ से जो मतलब सिस्टम है ना उस हिसाब से नहीं मिलता है। जी तो व्यूवर्स, इनका कहना ये है कि पाकिस्तान में जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं यहाँ पे नौकरियाँ तो बहुत हैं लेकिन वही बात है कि रेफरेंस बेस पर आपको नौकरी मिल जाती है, उसके अलावा आपको यहाँ पे नौकरी तलाश करने से भी नहीं मिलती है। तो उन्होंने यहाँ पे एक फूलों की दुकान जो है वो ओपन की है और उससे वो अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं। तो हमारे वो बहन भाई जो यहाँ से डिग्री हासिल करने के बाद आउट ऑफ कंट्री मूव कर गए हैं, तो उनके यहाँ से जाने की यही वजह थी कि यहाँ पर उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।